मामा ये क्या कर रही हो? अच्छा जी, आपको पता ही नहीं मैं क्या कर रही हूँ? क्या जो टुड़े खाने ने ना, टुड़े उसनु बनाने वास्ते आटा गुनन लगी हां। टुड़े की होंदा तानू नहीं पता? पता होंदा तो पूछता। टुड़े जेडे रोज दे त्रै टाइम खाने हो, की होंदा वो? तो रोटी होती है उसने ही पुत्रा। टुड़े टुड़े बोलते ने, टापा जेडिया टापा खाने हो बेजी। ओ कहने लंगी डंगी डंगी टपाना हैगा ते टाप सट लवो कुड़ियो ते टॉप 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 वो होता है ना जो बच्चे और वो सब हर कोई टॉप करता है। ये टॉप होती है, टॉप रोटी को क्या कहते हैं? टॉप टॉप। आप आटा गूंद सकते हो? नहीं। गूंद कर दिखाओ, इसका चैलेंज करें हैं? गाइस आप लोग बताएं कि ईमान से आटा गंदवाएं हैं? चैलेंज दें ईमान को। ईमान वो वाला चैलेंज करें। कौन सा? कैसे? यस 24 आवर्स वाला के जो। हाँ ओए होए नहीं, जो मैं कहूंगी वो आपको 24 घंटे करना पड़ेगा। वही तो कह रहा हूँ, मुश्किल होता है। एक्सेप्ट करोगी? मुश्किल होता है, यही तो बात है। कुछ चैलेंज पे कोई चीज लगाओ तो सही, जिसका हो गई। हाँ भाई ये तो आप फिर कौन से वाले काम कर रहे हो? खराब वाले काम कर रहे हो हैं? बोलो वो? अच्छा क्या चीज लगाओ? ये तो फिर वो बैट हो गई, तो ये तो नहीं बैट लगानी। आप बोलो। 24 आवर्स देना, थोड़ा करो ना। कितना? 12 आवर्स ठीक है। 8 आवर्स। 8 आवर्स चलें जी। गाइज 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 आप बताएं। हाँ ईमान आप भी बोलो। ठीक है ना, 8 आवर्स का। 8 आवर्स गाइज बताते हैं कि अगर इस वीडियो पे हमारे आ गए 15 लाइक आ गए, ठीक है? ठीक है ना। कितने लाइक होने चाहिए तब आप बोलोगे? 15 लाइक हुए तो फिर हम करेंगे 8 आवर्स चैलेंज। और बोलेगा हाँ, और कमेंट्स भी करके बताना है कि ईमान ने करना है, ईमान फिर वीडियो में आएगा। ठीक है ईमान? ठीक है। देखें जी ये प्लेट, ये भी कच्चे, दूसरी जगह रखेंगे कल तक पक जाएंगे। ये वाले ढेर, अभी ढेर लगा हुआ है। अब इसको धो के धोते हैं और थोड़ा नमक डाल के पिटाई करते हैं, इसकी फेंटी लगाते हैं, नरम हो जाएंगे फिर खाते हैं। पका रहे हैं अरवी, अरवी में नमक लगा के धो लिए। ये देखें यहाँ पे ये ले लिया है, 600 रुपये वाली अरवी डाले पकाएंगे। अब जल्दी से ये हो जाएगा और इसमें हम डालेंगे, थोड़ा सा गर्म हो गए। हाँ जी चुटकी क्या कर रही है? मिर्ची चुटकी तक आटा गूंद रही है, मिर्ची और ये है देसी आटा। आ गया जी, ये लें जी जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं अपनी। ये डाल दी है अजवाइन, अभी गर्म इतना हुआ नहीं है, अजवाइन को थोड़ा सा चलाएंगे। इतनी देर में हम ये मसाले डाल लेते हैं, ये मिर्चे डलेंगी, 3 मसालों से इसमें डलता है, ये काफी है इतनी बस, ज्यादा ना हो जाए हम बोलते हैं। ये हल्दी जाएगी, चलो हम जी जल्दी अच्छा सा आटा गूंदने, मुक्की लगा के। ये इसमें खदकने लगी है अजवाइन, अब ये इसको जलाना नहीं है, बस हल्की सी खुशबू निकला है। इसमें हमने ये डाल दी है मिर्चे, नमक भी डालेंगे पर अभी थोड़ी देर के बाद, ये मिर्चे भी नहीं जलानी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम,
क्या खुशबू है। और ये सालन मेरे बच्चों को लीमू निचोड़ के इतना अच्छा लगता है ना। ये देखें, अब इसमें मैं नमक डालती हूँ और इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। ये ले जी नमक। भूनेंगे थोड़ी देर और फिर इसमें पानी डाल देंगे। पानी इतना इसमें ऐड करना है कि गल भी जाए और आपका जो हस्पे पसंद शोरबा हो वो तैयार हो जाए। ना इतना पतला हो शोरबा और ना इतना बिल्कुल घना भी ना हो। बस इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। ये मेरी नानी की रेसिपी है, मेरी अम्मी बनाती थी, फिर हम बहनें बनाती हैं और बहुत शौक से ये खाया जाता है हमारे घर में। लीमू के साथ इसका टेस्ट अच्छा बनता है। ये देखिए मैंने बाउल भरा है पानी का। अब ये देखेंगे कि भून गई है। अब ये नीचे लगना, यहाँ से यहाँ पे कैमरामैन दिखा सके तो ये देखिए यहाँ से लगने लगी है। तो इसका मतलब है कि अब बस अब तब तक ये गलेगी, पानी खुश्क हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा कम चाहिए। चलो जी, इसमें आप ये डरे ना कि पानी इतना ज्यादा, अब ये पक पक के ये गल भी जाएगी और शोरबा भी गाढ़ा हल्का सा हो जाएगा। मुक्का मार मार नहीं। वाह जी वाह, मेरी छुटकी ने तो बड़ा अच्छा बना दिया है। आटा गूंद गूंद के बहुत अच्छी मुक्की मारी है। अंदर आ जाओ। बहुत